अगर आप इस बार नए साल पर यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बर्फबारी का लुत्फ उठाने उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है, क्योंकि न्यू ईयर के जश्न में इस बार उत्तराखंड में पर्यटकों को बर्फबारी का आनंद नहीं मिल पाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार न्यू ईयर पर ना तो मसूरी में और ना नैनीताल में हिमपात के आसार हैं। हालांकि हल्के बादल छाए रहेंगे। 2 और 3 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश में कहीं भी हिमपात के आसार नहीं है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में धूप अच्छी खिलेगी, वहीं 2 और 3 जनवरी को 3 जिलों के बेहद ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात होने की संभावना है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और आपने देखा तो जो अच्छी स्पेल हमको मिली थी पीछे एक जो है, तो वही इस सीजन में, पूरे सीजन की बात करूं मैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो वही स्पेल मेन थी। अब अगर आगे देखते हैं जो 12-13 को हुई थी स्पेल, वो अच्छी थी दिसंबर में, लेकिन आगे देख रहे हैं कि 5 से 7 दिन जो है कोई एक्टिविटी वेदर की नहीं है। आप ये कह सकती हैं मौसम जो मुख्यतः साफ रहने वाला है, आपको जो सनशाइन वो मिलेगा दिन में। हाँ, सुबह के समय की अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कल या परसों में जो है आप देखेंगे जो फॉग है, वो जो हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है, उधम सिंह नगर या हरिद्वार है, तो वहाँ फॉग थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है अगले 2-3 दिन। लेकिन बाकी अगर दिन में बात करें तो मौसम साफ रहने वाला है। इसी तरह तापमान की भी बात करूँ मैं, तो वो बिल्कुल सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं, बल्कि हायर साइड में 2 डिग्री 1 डिग्री हायर साइड में है नॉर्मल से। तो इसी तरह की सिचुएशन रहने वाली, बहुत ज़्यादा बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अगर आप सोच रहे हैं कि नए साल में या 31 को कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी नहीं है, मौसम साफ रहने वाला है, तापमान भी जो है हायर साइड में रहने वाले सामान्य से।